अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। ये है आलू टमाटर की सब्ज़ी, बहुत ही मज़ेदार होती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कॉमेंट भी करें। तो आइए इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 6 आलू लिए हैं, इनको मैंने पीसेस में काट के रख लिया है, इस टाइप के इतने बड़े पीसेस काटे हैं। और ये 3 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज़ है, इसको भी मैंने चॉप करके रख लिया है। और ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। गरम मसालों में हमने लिया है 2 तेज़पात के पत्ते, 3 लौंग, 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री और 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। और हम इसमें लेंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च। और गार्निशिंग के लिए हमने लिया है अदरक, इसको मैंने चॉप कर लिया है, 3 हरी मिर्च और हरा धनिया। तो आइए हम टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 100 ml ऑयल लिया है और उसको मैंने गर्म कर लिया है और फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे और जब प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो जाएगी इसमें हम गरम मसाले डालेंगे। और अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये टमाटर अपना पानी छोड़ ना दे। देखिए टमाटर ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। देखिए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए पानी सब इसका ड्राई हो चुका है और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और जब हम इसको भूनेंगे तब हम इसमें नमक और मिर्च ऐड करेंगे और हम इसको भून लेंगे। हम इसको बहुत अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद देखिए भुन गया है और इसके आलू भी गल चुके हैं, इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। और इसमें ऐड करेंगे हम अदरक और हरी मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। उबाल आ चुका है, इसको हम मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम
फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आलू टमाटर की सब्ज़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो आप मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।